हर साल की तरह इस साल भी लोगों ने 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाने की तैयारी पूरी कर ली है। क्रिसमस का त्योहार साल के आखिर में आता है, ऐसे में इसे साल का सबसे बड़ा आखिरी त्योहार भी कहा जाता है। भारत के साथ साथ कई देशों में क्रिसमस डे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन ईसाई धर्म के प्रभु यीशु का जन्मदिन होता है, इसी के चलते इस दिन का काफी महत्व है। क्रिसमस डे के दिन लोग एक दूसरे के घर इसकी बधाई देने भी जाते हैं। वैसे तो आम तौर पर जब भी किसी त्योहार की बधाई दी जाती है तो उसके साथ हैप्पी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्रिसमस के साथ ऐसा नहीं है। क्रिसमस की बधाई देते वक्त लोग मैरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी इस सोच में हैं कि आखिर क्यों क्रिसमस के दिन हैप्पी क्रिसमस की बजाय मैरी क्रिसमस कहते हैं, तो हम आपको इसकी वजह बताएंगे ताकि आपको भी इसके पीछे की वजह पता चल सके। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या है मैरी का मीनिंग। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर मैरी शब्द का अर्थ क्या है। दरअसल मैरी शब्द जर्मन और ओल्ड अंग्रेजी से मिलकर बना है। इसका मतलब हैप्पी की तरह खुशी ही होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये शब्द कब एग्जिस्टेंस में आया। अब सवाल आता है कि जब हैप्पी और मैरी दोनों का ही मतलब खुशी ही होता है, तो आखिर क्यों मैरी शब्द का इस्तेमाल क्रिसमस की बधाई देने के लिए करते हैं। इसका जवाब है कि 16वीं शताब्दी में ये शब्द अस्तित्व में आया था। उस वक्त लोग अंग्रेजी बोलना सीख ही रहे थे। इसके बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में मैरी शब्द काफी पॉपुलर हो गया। तो अब जानते हैं कि आखिर क्यों करते हैं इसका इस्तेमाल। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों क्रिसमस के दिन हैप्पी की बजाय लोग मैरी क्रिसमस बोलते हैं। दरअसल मशहूर साहित्यकार चार्ल्स डिकेंस ने मैरी शब्द को काफी पॉपुलर किया था। उन्होंने अपनी किताब अ क्रिसमस कैरोल में मैरी शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है। इसके बाद से ही क्रिसमस की बधाई देते वक्त लोग हैप्पी की जगह मैरी क्रिसमस शब्द का इस्तेमाल करने लगे। भले ही पूरी दुनिया में लोग मैरी क्रिसमस कहते हैं, लेकिन आज भी इंग्लैंड में लोग क्रिसमस की बधाई देते वक्त हैप्पी शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैरी और हैप्पी दोनों का मतलब एक ही है। वो बात अलग है कि हम सदियों से मैरी क्रिसमस ही कहते हैं, इस वजह से अब हैप्पी क्रिसमस बोलना अजीब सा लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हैप्पी या मैरी कौन सा शब्द अच्छा लगता है कहना हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।